रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशरिक न्यूज के साथ मैं हूँ जुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान का ट्वीट। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान का हजारा टाउन वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला को वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। वाक़या काबिले मुज़म्मत और इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। सूबाई वज़ीर दाखला मिर्ज़ा आलमगीर की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज हजारा टाउन में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिस पर पूरी कौम गमज़दा है। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान दोस्तीन खान जमालदीनी ने शेख जायद अस्पताल क्वेटा में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पीसीआर लेबोरेटरी का इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कमेटी सूबे के संजीदा मसाइल पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। हजारा टाउन में वीडियो बनाने के मामले पर मुश्तइल हजूम का तीन नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। तशद्दुद से 23 साल नौजवान जा बहक, दो शदीद जख्मी हालत में बीएमसी मुंतकिल कर दिए गए। कोयटा में नौजवानों के दो ग्रुपों में तसादुम का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर निदा काजमी मुजाहरीन से मुजाकरात करने जीपीओ चौक पहुंच गई। बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर मरीजों की तादाद 4087 हो गई। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के 22 तस्दीक शुदा जहाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 47 हो गई। एमडी पाकिस्तान बैतुलमाल पाकिस्तान ऑन अब्बास बीपी और एमएनई नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने बलोचिस्तान के जिला बारखान में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के खसूसी हदायत पर आज बलोचिस्तान के जिला बारखान में पाकिस्तान बैतुलमाल के जेर एहतमाम 40 माजूर मुस्तहक और तहजीब कार्य से मुतासर अफराद ने 25,000 मालियत के चेक और 21 माजूर अफराद को व्हील चेयर तकसीम की। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और खुश्क जबकि बाज इलाकों में मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। कोरोना वायरस के खिलाफ वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर बरवक्त हिफाजती इकदामात। इमरजेंसी बुनियादों पर PCSIR में 1500 से जायद, RDA में 250 और चमन बॉर्डर पर 3000 अफराद के लिए करंटीना का कयाम। 6000 से जायद जायरीन को 15 रोज के लिए अशाय खुर्दोनोश, तिब्बी और बुनियादी सहूलियात की यकीनी फराहमी। कोयटा और तफ्तान में रिलीफ इमरजेंसी सेंटर्स का कयाम। लॉकडाउन से मुतासिरा 2,66,000 से जायद दिहाड़ी दार और खानदानों में राशन की तकसीम। सफेद पोश घरानों को रोटी फराहमी प्रोग्राम के तहत कोयटा में अब तक 6,25,900 से जायद रोटियां तकसीम। मुतहर्रिक है हम ताकि कोरोना से पाक हो हमारा वतन। महकमा इत्तलात हुकूमत बलोचिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान का ट्वीट। वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान का हजारा टाउन वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला को वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। वाक़या काबिले मुज़म्मत और इंसानी जानों का ज़िया है। हजारा टाउन के अफसोसनाक वाक़े की FIR दर्ज करने के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका SHO को फ्राइज से गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वाक़े के जख्मी को इलाज के लिए कराची भेजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज हजारा टाउन में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना का शदीद एहतजाज। लवाहिकीन रेड जोन पहुंच गए। जब तक तशद्दुद करने वाले तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज हजारा टाउन में तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक, दो जख्मी हुए थे। सूबाई वज़ीर दाखला मिर्ज़ा आलमगीर की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज हजारा टाउन में अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ जिस पर पूरी कौम गमजदा है। ज़ुल्म बर्बरियत बर्पा करने वाले मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मिर्ज़ा आलमगीर का कहना था कि अब तक वाक़े में 12 मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इलाका SP और SHO को ड्यूटी से गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुएकार लाए जा रहे हैं। हमें कौमों और फिरकों में तकसीम करना दुश्मनों की चाल है। जुल्म करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत मजलूम खानदान के अहले खाना के शाना बशाना खड़ी है।
गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने हजारा चांग कोयटा में गुज़िश्ता रोज होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाकये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान का हर शहरी इस अफसोसनाक वाकये पर गमजदा है और इस यकीन का इजहार किया है कि तमाम मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई होगी। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दिया है कि हजारा टाउन के वाकये में तमाम मुलव्वस अनासर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कचहरे में लाया जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स ऐसी गैर कानूनी हरकत की जुर्रत ना कर सके। उन्होंने अपने बयान में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में हमें सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए और वाकये को फिरका बराना या किसी खास कम्यूनिटी की मुखालफत का रंग हरगिज़ ना दिया जाए। उन्होंने वाकये के बाद हुकूमत की जानिब से नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारियों मुतलका SHO की मुअत्तली और जख्मियों को कराची मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इससे इंसाफ की फराहमी यकीनी हो जाएगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कमेटी की सूबे के संजीदा मसाइल पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल। BAP की कमेटी वफाकी वज़रा उमर अयूब असद उमर और मुशीर खजाना हफीज शेख से मुलाकात करेगी। कमेटी बलोचिस्तान की तरक्याती और माली ज़रूरियात बिजली के मसाइल कौमी शाहराहों और डैमों की तामीर के अहम अमूर पर सूबे का मौकफ पेश करेगी। कमेटी बलोचिस्तान के इन वफाकी मंसूबों को भी उठाएगी जो सुस्त रवि की वजह से अरसा दराज से नामुकम्मल है। कमेटी बाद अज़ां वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी करेगी। सूबे की तारीख में पहली मरतबा किसी भी सियासी जमात की जानिब से वफाकी सतह पर इस नौयत की कमेटी तश्कील दी गई है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर वज़ीर आला बलोचिस्तान जान कमाल खान की जानिब से वफाकी सतह पर पार्टी तश्कील दे दी गई है। कोयटा से आपको अपडेट करें, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हजारा टाउन में वीडियो बनाने के मामले पर मुश्तइल हजूम का तीन नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। 23 साल नौजवान की जान ले गया। दो शदीद जख्मी हालत में BMC मुंतकिल कर दिए गए थे। दो जख्मी नौजवान जांबाग अफराद के अहले खाना का GPO चौक पर मुजाहरा। मुतलका थाने के SHO और DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने हजारा चाव में रात को पेश आने वाले नाखुशगवार वाके में जहां एक नौजवान कत्ल जबकि दो जख्मी हो गए थे। हफ्ते को लवाहिकीन ने लाश के हमरा रेड जोन में धरना दिया। उनका मुतालबा था कि वाके में मुलव्वस मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कोयटा में नौजवानों के ग्रुपों में तसादुम का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर निदा काजमी ने मुज़ाकरात करने GPO चौक पहुंच गई। वाकये के फौरन बाद 11 अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। दीगर मुलजमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर निदा काजमी की मुजाहिरीन को यकीन दहानी। मुजाहिरीन का मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। वजीर आला बलोचिस्तान सूबाई वजीर दाखिला और IG पुलिस मुज़ाकरात करने आए। बलोचिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 46 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन मरीजों की तादाद 4083 हो गई है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के बायस तस्दीक शुदा जहाँ बहुत होने वाले अफराद की तादाद 46 है। महकमा सेहत के कोरोना वायरस ऑपरेशन सेल की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के मजीद 147 केसेज रिपोर्ट हुए जिसके बाद तक मुतासर मरीजों की तादाद 4087 हो गई है जिनमें से 3722 मुकामी तौर पर वायरस से मुतासर हुए हैं। मुतासर अफराद ने 3231 का ताल्लुक कोयटा, 113 का पशीन, 130 का किला अब्दुल्ला और 54 का किला सैफुल्ला से है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 46 है जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 65 अफराद के सेहतयाब होने के बाद अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 1400 हो गई है जो कल मरीजों का 35% है जबकि इस वक्त कोरोना वायरस के 2514 मरीज जेर इलाज है। MD पाकिस्तान बैतुलमाल ऑन अब्बास BP और इलाके के रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा शाहजैन बुगटी ने कहा है कि हम वजीर आजम पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर आज सुबह बलोचिस्तान के दूर दराज और पसमानदा जिलों बारखान और कोहलू का दौरा कर रहे हैं ताकि इन इलाकों के मस्तहक और गरीब अफराद और मजदूरों की हर मुमकिन मदद की जा सके। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन में शामिल है कि बलोचिस्तान के अवाम को इनका हक इनकी दहलीज पर फराहम किया जाए। इलाके के अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और हुकूमत का इस हवाले से खसूसी शुक्रिया अदा किया है कि ये पाकिस्तान बैतुलमाल के सरबरा
खुद इस गर्मी और दूर दराज इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अवाम के मसाइल को हल कर रहे हैं। एमडी पाकिस्तान बैतुल माल ऑन अब्बास बिप्पी और एमएनए नवाबजादा शाहजैन बुगटी आज कोहनू का दौरा कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान दोस्तीन खान जमालदीनी ने शेख जायद अस्पताल क्वेटा में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए पीसीआर लेबॉरेटरी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान डायरेक्टर सलीम अबलू, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख जायद अस्पताल क्वेटा के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर लेबॉरेटरीज बलूचिस्तान डॉक्टर इब्रार और दीगर तिब्बी माहिरीन मौजूद थे। शेख जायद अस्पताल क्वेटा की लेबॉरेटरी में बायोरेड अमेरिकन साख्ता पीसीआर मशीन नस्ब कर दी गई है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। शेख जायद अस्पताल क्वेटा में नस्ब करदा पीसीआर मशीन से रोजाना मैनुअल एक्सट्रैक्शन के जरिए एक शिफ्ट यानी 8 घंटे में 48 टेस्ट हो सकते हैं। कोर लेबॉरेटरी के सुबाइल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इब्रार के मुताबिक आने वाले 3 हफ्तों में ऑटो एक्सट्रैक्टर के नस्ब होते ही एक दिन में पीसीआर टेस्ट करने की सलाहियत 150 से कोशिश की गई है कि अवाम को सेहत की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। शेख जायद अस्पताल की कोर लेबॉरेटरी को सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इब्रार की रहनुमाई में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और डॉक्टर आतिफ मसूद सुपरवाइज करेंगे। ईद उल फितर की तातलात के बाद पाक ईरान के सरहदी शहर सरतान में तजारती सरगर्मियों के लिए ईरान ने FIA ट्रांजिट गेट और मुश्तरका बाजार चौक को खोल दिया है और ईरान से आने वाली गाड़ियों को तजारती पॉइंट पर डिसइंफेक्शन स्प्रे और ड्राइवर्स की मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद आगे मजीद कार्रवाई के लिए रवाना किया गया है और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग भी हो रही है। तफ्तान बॉर्डर पर 2 तरफा तजारती गेट 0 पॉइंट अभी तक बंद है जबकि दोनों तजारती पॉइंट से सिर्फ ईरान की तरफ से तजारती सरगर्मियाँ बहाल हैं जबकि पाकिस्तान अशिया की तजारती सरगर्मियाँ ताहाल मुअत्तल हैं जबकि पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती चमन आज हर किस्म की सरगर्मियों के लिए बंद रहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mashriqhd.tv और देखते रहिए मशरक न्यूज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और खुश्क जबकि बाज़ इलाकों में मौसम आबार आलूद रहने का इम्कान। सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किए गए सूबे के मुख्तलिफ इलाकों की दर्जा हरारत, क्वेटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 जबकि कम से कम 27 डिग्री, नुकंजी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 जबकि कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड का इम्कान। गवादर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 जबकि कम से कम 31 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड का इम्कान। कलात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड का इम्कान। जीवनी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 जबकि कम से कम 28 डिग्री रिकॉर्ड का इम्कान। क्वेटा में हवा में नमी का तनासब 29, जीवनी में 87, सिब्बी 33, गवादर में 72, तुर्बत में 54, कलात में 43 रिकॉर्ड किया गया।